गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट आप लोग एक्सरसाइज को देखेंगे और उसको समझ कर बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में राइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें निर्झर से क्या शिक्षा मिलती है? निर्झर मीन्स होता है झरना। निर्झर मीन्स होता है झरना। हमें निर्झर से क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें निर्झर से, निर्झर हमारा क्या है? झरना। तो झरना सबको, सबकी प्यास बुझाता है, ठीक है। वो सबकी लगातार जल बहता है और सबकी प्यास बुझाता है। तो हमें निर्झर से शिक्षा मिलती है कि हमें सबको सुख पहुँचाना चाहिए। दीपक क्या कहता है? तो दीपक कहता है, दीपक कहता है कि खुद जल कर दूसरों को, दूसरों तुम ऐसी ज्योति लाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। तो दीपक कहता है कि हमें दूसरों को राह दिखानी चाहिए, दूसरों को रास्ता बताएं, दूसरों को ज्ञान दें, ठीक है। पवन किसकी गौरव गाथा गाता है? तो जो हमारा जो पवन है वो जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले लोगों की पवन गौरव गाथा गाता है। क्वेश्चन का अर्थ एक बार और देखिए। हमें निर्झर से क्या शिक्षा मिलती है? तो निर्झर माने होता है झरना। तो झरना हमेशा नीचे की ओर गिरता है और हमें संदेश देता है कि हमें हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दीपक क्या कहता है? तो दीपक कहता है खुद जलकर, दीपक जिस तरीके से दीपक जलकर दूसरों को उजाला देता है, वैसे हमें भी दूसरों को ऐसी ज्योति देनी चाहिए कि जो हमारे रास्ते भटक रहे हैं, अंधकार में है, जिन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, उनको हमें रास्ता दिखाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। पवन किसकी गौरव गाथा है? तो पवन उन्हीं लोगों की गौरव को गाथा है, गौरव गाथा को गाता है। तो पवन उन्हीं की गौरव गाथा बखान करता है जो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, हमेशा दूसरों के काम आते हैं। अब आपकी आएगी एक्सरसाइज 5, दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जय देश जाति का नाम। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं कि औरों की विपदा में, औरों की विपत्ति के समय जो उनका साथ देते हैं, उनके काम आते हैं, वही एक दिन अपना नाम इस दुनिया में करते हैं। आप लोग इसका अर्थ यहाँ लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जो
दूसरों की विपत्ति के समय, उनके दुख के समय उनके काम आते हैं, उनका सहयोग देते हैं, वही एक दिन इस दुनिया में अपना नाम कर जाते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन का अर्थ लिखेंगे अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज दी गई है 5, तो इसका अर्थ आप लोग बुक में लिखेंगे। एक बार हम आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। औरों की विपदा में जो हमारे कवि हैं उन्होंने वो कहा है कि जो औरों की विपदा में, जो दूसरों की तकलीफ़ में, दूसरों के दुख में जो काम आते हैं, सब दिन काम आते हैं, ठीक है, वही एक दिन अपने देश का, अपने जाति का नाम ऊंचा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड करिए।